भी गंदगी फैलाई यहाँ पे आके, ऐसी नंगी नंगी वीडियो डालती है, इसे शर्म नहीं आ रही है? यहाँ चार बच्चों की अम्मा है, ठीक है ना, लड़कियाँ देखो ना बड़ी हो रही है बराबर से, क्या इनको भी यही शिक्षा मिलेगी और क्या? और जाहिर सी बात है जब ये उस कमरे में तमाशा करती वीडियो बनाती है तो बच्चे की आंखें फोड़ लेते होंगे, बच्चे भी तो वहीं रहते हैं, क्या वो देखते नहीं होंगे इसके तमाशे बेशरम के? कुछ भी हो जाए, हद हो चुकी है, कोई सुनना ही नहीं चाहता इस बारे में, है ना। और जो हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं वो भी जरा ये नजारा देख लो आगे, कितनी अच्छी इनकी सीमा माता, सो कूल सीमा माता, बड़ा ये सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी जो है ना अपनी वीडियोस डालती है, अच्छी औरत है, बेशर्मी की हद हो चुकी है। और जाने कहा हमारी सरकार भी सोई हुई है, इस बात पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी जो पाकिस्तान से हमारे मुल्क में अवैध तरीके से आई है और इस मुल्क के अंदर रहकर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, तो दोस्तों इस भगोड़ी अय्याश और फाहिशा औरत की एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो है इस वीडियो को देखकर जो है रिएक्शन दे रहे। ऐसी हमारी एक भारत की कट्टर हिंदू बहन ने इस भगोड़ी के इस अश्लील वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिएक्शन दिया है और इसकी बैंड बजाकर रख दी है। जी हाँ, इसकी तमाम हेकड़ी जो है इस कट्टर हिंदू बहन ने निकाल दी है, जो कि मैं आप लोगों को इस कट्टर हिंदू बहन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। साथ साथ दोस्तों इस कट्टर हिंदू बहन ने भारत सरकार पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं कि आखिर इसको क्यों रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों ये गंदा तमाशा हमारे भारत देश के अंदर यानी दिखा रही है, क्या बहुत बड़ा यानी गंदा काम ये कर लेंगी हमारे भारत के अंदर तब इस पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया जो अभी चला था, इस औरत ने बेशर्मी की हद कर दी। एक तरफ तो ये कहती है कि मुझे सब गालियां देती हैं, मुझे सब उल्टा सीधा कहते हैं, तो क्या मैं औरत नहीं हूँ पाकिस्तान से आई हुई, मैं क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ भाई, तू इंसान भी है, तू एक औरत भी है, और तू एक औरत के नाम पे कलंक भी है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ऐसा है ना कि हमारे देश में एक दो नहीं हजारों की तादाद में शरणार्थी जो है ना विदेशों से आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश में शरण ली हुई है और जिनके पास नागरिकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने समझ लो अपना सोशल मीडिया पे एक अकाउंट तक नहीं बनाया, क्योंकि इसी डर की वजह से, क्योंकि हमारे पास नागरिकता नहीं है, हो सकता है हमें यहाँ से कब निकाल दिया जाए। और एक ये औरत है जो एक तो इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसती है, उसके बाद यहाँ के कोई नियम फॉलो नहीं करती, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से अकाउंट बनाती है, हर तरीके की वीडियो पोस्ट करती है। ठीक है, तूने नाचने गाने और सब कुछ मतलब इस टाइप की वीडियो पोस्ट की थी, चल मानते, लेकिन ये इसे पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? मानते हैं जब तू चार बच्चे लेके पाकिस्तान से यहाँ आई है तो यही सब करने आई होगी ना, ये तेरा पर्सनल अंदरूनी मामला है, इसको सोशल मीडिया पे क्यों मतलब दिखा रही है, क्यों सबको दिखा रही है? ये तो तू खुद अपनी इंसल्ट करा रही है ना। और जब हम लोग बोलते हैं तो तुझे बुरा लगता है कि हम लोग तुझे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, है? इस बेशरम को कौन? दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि ये सब करके ये क्या साबित करना चाहती है। सारे तो पाकिस्तानियों की नज़र में बुरी बन गई, हिंदुस्तानी सब थूक ही रहे इसके ऊपर, ऊपर से ये बहुत अच्छे बनने का नाटक करती कि हमसे कोई गलत मत बोलो, हमसे कोई बुरा ना बोलो। कैसे कोई बुरा ना बोले, कैसे कोई गलत ना बोले, जब तुम ऐसे काम करती हो सोशल मीडिया पे आके, हैं? और ऊपर से जब हम लोग गलत बोलते हैं ना तो ये हम लोगों को उल्टा सीधा सुनाती है, गाली देती है, तुम हमारे घर खानदान को कोसती है, हमारे बच्चों को नाम क्या करती है कि हम पाकिस्तानी यूट्यूबरों को कह रही है, ये वीडियो भी मैंने एक डाली थी आप लोग देख रहा कि किसको बोलती है, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तान जो भी इसके खिलाफ बोलता है उल्टा मतलब गलत रिएक्शन देता है ये उनको जाके जरूर गालियाँ सुनाती है, जाके उल्टा सीधा जरूर। तो एक बात बताइए, हमारे देश में रह के यहाँ तुम इतने धड़ल्ले से हम ही को गाली दोगी और हम लोग सुनते रहेंगे, हैं? ये बेशर्मी की हद हो चुकी है। और जाने कहा हमारी सरकार भी सोई हुई है, इस बात पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि जब कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा, हैं? आप ही लोग बताइए कमेंट में कम से कम कि जो कोई सुनवाई ही नहीं है इस बात की, ये चाहे कितनी भी गंदगी फैलाए यहाँ पे आके, ऐसी नंगी नंगी वीडियो डालती है, इसे शर्म नहीं आ रही है? चार बच्चों की अम्मा है,
ठीक है ना, लड़कियां देखो ना बड़ी हो रही है बराबर से, क्या इनको भी यही शिक्षा मिलेगी और क्या। और जाहिर सी बात है जब ये उस कमरे में तमाशा करती है, वीडियो बनाती है, तो बच्चे की आंखें आगे फोड़ लेते होंगे, बच्चे भी तो वहीं रहते हैं, क्या वो देखते नहीं होंगे इसके तमाशे बेशरम के। कुछ भी हो जाए, हद हो चुकी है, कोई सुनना ही नहीं चाहता इस बारे में, है ना। और जो हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं वो भी जरा ये नजारा देख लो आके, कितनी अच्छी है इनकी सीमा माता, सो कूल सीमा माता, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। जो खास करके इंडिया की लेडीजें हैं हम, और वो 100% वैसी ही लेडीजें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। आ रहा है ना समझ में, हम लोग भी कोई बेवकूफ नहीं है, समझ में आया ना। जो इसके हम लोग चाहे ठीक है जो भी सही, हम इसकी सच्चाई बताते हैं, हम कुछ झूठ नहीं बताते और ना ही अपने मुंह से बोल के बताते, बल्कि प्रूफ दिखा के बताते हैं। तो तुम लोगों को, तुम लोग अंधी हो, तुम लोगों को ये प्यार दिख रहा है, हैं? अच्छा खासा अट्टा कट्टा आदमी जो मरने के लिए छोड़ी आई, चार बच्चे लेके यहाँ धमक पड़ी आ गया, तुम्हें ये प्यार दिखता है बेशर्मो, हैं? थोड़ी तो लाज शर्म करो। तुम लोग भी वैसी हो जो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के जाती हो आके, तुमने भी ऐसी आदमी छोड़ दिए होंगे, अब नहीं छोड़ दिए होंगे तो छोड़ दोगी इसकी संगत में रह रह के, यही सोच रहेगी तुम्हारी गंदी वाली, समझे ना। कितनी कि तुझे क्या पड़ी है, तू कौन होती है, अरे जाओ जरा अपने गिरेबान में झांको जाके पहले, सब लोग बेशर्मो, है ना, कैसी कैसी बातें करती हो आके। तुम्हें ये नहीं दिख रहा ये गलत है, ये सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी जो है ना अपनी वीडियोज डालती है, ये अच्छी औरत है, है? अच्छा खासा आदमी छोड़ी आई, ठीक है मैं कहती हूँ आदमी में इसकी बुराई होगी, थोड़ी बहुत सब आदमियों में होती है, तुम लोग भी हिंदुस्तानी औरतों हो, तुम लोग भी ये चीज जानो, क्या तुम्हारे आदमियों में बुराई नहीं है कि सब बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है ना, कि नोट जब मांगो थमा देते हैं, पिक्चर देखने के लिए कहो तो तुरंत लेके जाते हैं, कैसा होता है, नहीं होता ना, हर चीज का समझौता किया जाता है। और एक लेडीज बनाई इसलिए ही गई है, समझे ना, जो है ना हर चीज परोसी हुई नहीं मिलती है, समझे, जो इसे जो ये सोच रही थी वो बेचारा आदमी इन लोगों की खातिर, बच्चों की खातिर जो है ना सऊदी गया था कमाने के लिए, वहां से 80-80 लाख रुपए, समझ लो 80-80 हजार रुपए भेजता था, 90-90 हजार रुपए भेजता था, है, उससे इसका पूर्ता नहीं पड़ता था, इसे चाहिए थे अय्यासी जो यहाँ कर रही है जी आके। और अभी भी देखो अब इसके अय्यासी निकल रही है, धीरे धीरे इनके भी झगड़े चालू हो गए, मारा कूटी भी चली, इतना मारा था यहाँ पर निशान तक पड़ा हुआ, देख लेना आप लोग भी जूम करके वीडियो को, समझे, बेशर्मी की हद हो चुकी है, सभी लोग सपोर्ट करे जा रहे हैं, हम लोग तुम लोगों को पागल दिखते हैं ना, जो कुछ भी बोल दो आके कि हाँ हम लोग पैसे की खातिर, पैसे खातिर नहीं है ये हमारी, देखो समाज सेवा है एक तरीके से, पैसा तो हम कैसे भी कमा लेंगे जब हम यूट्यूब पे ही हैं, एक नहीं हजार वीडियो डाल के कमा लेंगे, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन सोच समझ के जरा जवान संभाल के सब लोग बात करो, ठीक है ना, जो कॉमेंट में भर भर के बकवास करते हो आके, और जो करते हैं वो 100% इसी की कैटेगरी की है, इसी की कैटेगरी की लेडीज है, और ज्यादातर 90% लेडीजें हैं, समझे। अब देखना इनका भी हाल क्या होने वाला, अभी कम से कम 3-4 दिन से इनकी कोई वीडियो नहीं आई है, पता चले जाएगा आप लोगों को भी अंदर सारी, जब सारी रिपोर्टें ही निकलती हैं तो अब ना वहां कोई रिपोर्टर झकने जाता है, ना उनका सोकुल भैया झकने जाता है, वो एपी सिंह जी, ठीक है ना, और ना कोई वहां पर मारने जाता है, क्योंकि अब इनके सब कर्म जो है ना सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, अब बस अब सब कुछ जागने वाला है, और जो ज्यादा इनकी सपोर्टर है ना वो भी अब सावधान हो जाओ, तुम लोग भी देखने के लिए तमाशा चालू है, होने वाला है बस, समझे। चलिए भैया।